हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जस्ट एक बार चेक कर लूं कि हम लाइव आ गए हैं कि नहीं, फिर जल्द ही आप लोगों के सामने आऊँगा मैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज अभी मैं आपके सामने हूँ एसएससी सीएचएसएल के जो 18 मार्च के जो तीनों शिफ्ट हैं, उन तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन लेके, ठीक है। और ख़ास बात ये होगी कि ये जो जीके के क्वेश्चन है, क्या लाइव है? लाइव नहीं है, नेट नहीं चल रहा। मैं एक बार देख लेता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर मैं लाइव हूं तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, वीडियो दिख रही है कि नहीं। एक बार सारे जने जल्दी से मैं आपको करवाऊंगा, और जैसे ही करवाऊंगा फिर आपको पीडीएफ भी दूंगा। एक बार मेरे को चेक करने दो। और जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम कैसा हुआ वो बताओ आप लोग कमेंट में। तब तक जी हाँ, डेफिनेटली वी आर लाइव। तो जितने भी बंदे लाइव हैं एक बार वो कर दो भाई, सारे लाइक कर दो सेशन को। आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी, और जल्दी जल्दी विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा बिना ज़्यादा टाइम लिए। अभी स्टार्ट करते हैं, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई कल जिन भी लोगों का एग्ज़ाम होएगा तो वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना अपने क्वेश्चंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप करने हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। जीके के क्वेश्चंस और क्वांट के क्वेश्चंस, मेरे को जीके के क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इसलिए मैं जीके के करवा रहा हूँ, क्वांट के इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं सारे, ठीक है। तो जो भी आप अवेलेबल करवाओगे उसका एनालिसिस में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, जो कि है जेयर बोल्सोनारो। जैसा कि मैं पहले ही बोलता था, मैंने ये करवाया है कि ऐसे ही बिना वजह कुछ भी करंट अफेयर नहीं पूछ लेते हैं। ये जो हैं ये 2020 के अंदर अपने रिपब्लिक डे परेड के अंदर अपने चीफ गेस्ट रहे हैं, इसीलिए पूछा है। और 2019 के अंदर सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के जो प्रेजिडेंट है सिरिल रामाफोसा, उनका भी क्वेश्चन आया था, वो चीफ गेस्ट थे 2019 की रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे। और एक और बात, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पता कैसे रिपीट हो रहे हैं? जो पुरानी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कभी कभी, तो इसीलिए मैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको बता रहा हूँ। तो भाई जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, गवर्नर जनरल वो कौन था? वो था लुइस माउंटबेटन, लुइस माउंटबेटन। और जो गवर्नर जनरल इंडिया का था, ये तो अंग्रेजों का लास्ट गवर्नर जनरल था, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का भी बन गया था। जो भारत वालों की तरफ से था वो था सी राजागोपालाचारी, पहला गवर्नर जनरल इंडियन सी राजागोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिलहाल कौन है? ओम बिरला हैं। और फिर एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया कि फिलहाल जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो कौन से राज्य से रिलेटेड हैं, उस शिफ्ट के अंदर पूछा गया। तो ये राजस्थान के एमपी हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन एक नए अंदाज में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कथक जो है वो एक क्लासिकल डांस है अपना, कथक जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो वो यूपी से रिलेटेड है मेरे भाई। कथक, कथक होता क्या है, कथा का मतलब आपको पता है ना, कथा कहानी, ठीक है, तो जो कथाकार होता है जो कहानी बताता है वो कथक के थ्रू अपनी कथा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 2020 के अंदर बेस्ट एक्टर अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब तो ये मिला है जोक्विन फोनिक्स को। जोकर जो मूवी आई थी ना उसके अंदर जो एक्टर था ये है वो बंदा, जोकर मूवी जो आई थी बहुत ही बढ़िया मूवी हो रही थी, काफी अच्छा रिस्पांस उसने दिया था। फाइनेंशियल एमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, आर्टिकल 360। मैं आपको सारी इमरजेंसी बता देता हूँ, 352 से स्टार्ट होती है, 352 में होती है नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी और इसके अंदर 4 जोड़ दो, 356 के अंदर होती है स्टेट इमरजेंसी, किसी भी राज्य के अंदर जो इमरजेंसी लगती है, जैसे दिल्ली के अंदर लग गई थी जहाँ पे भी J&K के अंदर लगा दी थी। देन इसके अंदर 4 फिर से जोड़ दो, 360 के अंदर होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 डिग्री मतलब कि कंप्लीटली घूम जाना, तो रुपए के मामले में बंदा पूरा घूम जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ऐसे याद रख सकते हो। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगी है, पूछ सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में ये डाटा। देन आर्टिकल 370 जो है वो कब रिमूव हुआ था, तो आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर 2019 एक खास डेट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी दिन यूनिटी डे एकता दिवस मनाते हैं, तो ये भी डेफिनेटली पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में, यूनिटी डे मनाते हैं एकता दिवस, ठीक है। देन साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक बक, सलमान खान ने जो हिरण मारा था ब्लैक बक, दैट इज एंटीलोप सर्विकाप्रा, जस्ट एक फैक्ट है रटना पड़ेगा। नेक्स्ट भी है कि ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो हुआ था उसके अंदर इंडिया हार गया था, तो उसको कौन से देश ने हराया था, दैट इज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने हराया था। नेक्स्ट वी हैव टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019, एक 17 साल की लड़की है, स्वीडन देश से है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर इसको अवार्ड दिया है, दैट इज ग्रेटा थनबर्ग, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला था चिल्ड्रंस पीस, बच्चों की कैटेगरी में चिल्ड्रंस पीस नोबेल प्राइज ऐसा इसको मिला था ग्रेटा थनबर्ग को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आगे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो दैट इज अरावली भाई, और यंगेस्ट माउंटेन रेंज तो हिमालय जो हो वो यंगेस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया में, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। देन अबी अहमद कौन है, यूथोपिया जो देश है, यूथोपिया, यूथोपिया के PM हैं और इनको मिला था नोबेल प्राइज पीस के लिए, तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो क्यों मिला, मतलब कि जो नोबेल पीस प्राइज है वो इनको क्यों दिया गया, ये पूछा था पिछले वाली शिफ्ट में, बोला था कि भी किसको नोबेल पीस प्राइज मिला, तो इन और वो किस कंट्री से रिलेटेड डिस्प्यूट था, तो यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी लड़ाई चल रही थी अपने पड़ोसी देश से, जैसे इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, वो उस देश का नाम है एरिट्रिया, ठीक है, उस डिस्प्यूट में इनको मिला था, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड, जो भूकंप आता है उसकी इंटेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, तो 2 तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर कि भी कौन से स्केल पे मेजर की जाती है, रिक्टर स्केल, स्केल का क्या मतलब है कि मीटर में मापी जाती है, जैसे ये ना मीटर लीटर, ऐसे ही रिक्टर स्केल में मापी जाती है। और कौन सी मशीन से मापी जाती है वो है सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक मतलब कि अर्थक्वेक एक्टिविटी। देन नेक्स्ट वी हैव पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी कल वाली तो मैंने उसी के अंदर आपको बताया था, क्योंकि उसमें पूछा था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 साल पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो जिसने भी वो देखी होगी डेफिनेटली, वैसे भी ईजी क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चली थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेड ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट, तो देखो जो सरकार होती है ना, सरकार का हेड, स्टेट में कोई पार्टी जीतती है, देश के अंदर कोई पार्टी जीतती है, तो जो सरकार होती है ना उसका हेड हमेशा होता है स्टेट के अंदर CM, देश के अंदर PM, और अगर मैं आपको सरकार का हेड ना पूछूं, सीधा ये पूछूं स्टेट का हेड, तो स्टेट का हेड मतलब कि किसी राज्य का हेड वो होगा गवर्नर, और अपने देश का हेड होगा प्रेसिडेंट, उनके नाम पर सारे काम होते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना ऐसे, ठीक है, क्लियरली मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वी हैव स्मृति मंधाना किस गेम से रिलेटेड है, तो स्मृति मंधाना अगर आप मेरी करंट अफेयर की वीडियोस देखते रहे हो तो कई बार नाम आया क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। देन मकर संक्रांति को गुजरात में क्या कहते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर वो उत्तरायण के ऊपर जेठालाल जब अपनी ससुराल में जाता है पतंग उड़ाने तो उत्तरायण बोलता है वो कई बार, ठीक है। उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में मकर संक्रांति को। देन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज केल्विन। सनराइज फर्स्ट इन विच स्टेट दैट इज अरुण। अरुण क्या होता है? अरुण का मतलब होता है सूरज, अरुण का आंचल। सबसे पहले अरुण कहाँ पर आता है? इंडिया के अंदर। सूरज नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल के अंदर आता है। नेक्स्ट वी हैव ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगता है अपना, ठीक है। तो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नेक्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री कौन से दिन हुआ था इंडिया? तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी के कौन से जन्मदिन के ऊपर हुआ था, तो भाई 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर हुआ था। ओपन डेफिकेशन फ्री अपना इंडिया डिक्लेयर हो गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पता है क्या है? जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी ने, नेशनल इमरजेंसी नहीं, 1984 के दंगे हुए थे, गोल्डन टेम्पल के ऊपर तोप चढ़ाने की नौबत आ गई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार तब हुआ। उसके बाद एनएसजी कमांडोज की फौज तैयार की गई थी जिनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं। तो उनके डायरेक्टर कौन है? अनूप कुमार मिश्रा या अनूप कुमार सिंह, ये चेक कर लेना मिश्रा है सिंह, बाकी अनूप कुमार फॉर श्योर आई नो। देन नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स इन आरबीआई दैट इज 4। Who received दादा साहब फाल्के अवार्ड? मैंने आपको करवाया था करंट अफेयर के अंदर, दैट इज अमिताभ बच्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम रटने वाली बात है भाई, क्या करें, कॉपर का आया था 29 कल वाली शिफ्ट में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? किस चीज की ड्राफ्टिंग कमेटी? जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो वो था अपना डॉक्टर B R अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? ड्राफ्ट होता है खाका, बेसिक आउटलाइन कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह का होगा, ये ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? B R अंबेडकर एंड टीम, तो उनके चेयरमैन B R अंबेडकर थे, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने ही एक आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, शायद आर्टिकल 32 को, ये आप देख लेना, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन सिंह रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। न्यू मूर आइलैंड इज लोकेटेड एट बे ऑफ बंगाल। तो न्यू मूर आइलैंड जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर के नीचे न्यू मूर आइलैंड है। बांग्लादेश वालों ने पहले क्लेम भी किया था कि ये हमारे हैं, लेकिन अभी इंडिया के अंडर है। न्यू मूर आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट वी हैव सीईओ ऑफ IBM। तो ध्यान रखना IBM का CEO फिलहाल ये है गिनी रोमेटी, लेकिन 6 अप्रैल 2020 से आगे आने वाले महीने में ये बंदा हो जाएगा अरविंद कृष्णा, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा था मेरे को नहीं पता, करंटली ये है, कुछ दिनों में ये हो जाएगा। देन टोटल रामसार साइट्स इन इंडिया। अब ये रामसार साइट्स क्या होती हैं? तो भाई एक इंटरनेशनल लेवल की एक कन्वेंशन हुई थी, एक समझौता हुआ था, रामसार समझौता उसको बोलते हैं। तो जो भी वेटलैंड है जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, किसी भी देश में वेटलैंड है, गिल्ली जमीन जो है वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसको रामसार साइट बोलते हैं उस समझौते के तहत। तो इंडिया के अंदर 37 रामसार साइट हैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये अपने बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है भाई फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कि भाई इंडिया के अंदर जो अनरेस्ट हुआ था, जो क्रांति लाई थी, किसी बंदे ने टाइटल दिया था कि इस बंदे ने लाया। सबसे पहले स्वराज भी इन्होंने मांगा था, लोकमान्य भी इन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ तानाजी मूवी ओम रावत। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, वैसे तो इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया ऑन्कोलॉजी। 1 GB के अंदर कितनी MB होती हैं? 1024 MB होती हैं, ठीक है। ड्रग यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, उनको एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। पेन रिलीवर जो पेन किलर होती हैं उनको एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, दैट इज NaCl, उसका अगर फॉर्मूला पूछा है तो। नेक्स्ट वी हैव ग्रैंड मास्टर, जो ये टर्म है ये कौन से गेम से रिलेटेड है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, तो ये चेस से रिलेटेड है। और ये पूछा पिछली शिफ्ट के अंदर, ये पूछा गया था इंडिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो मैंने गलती से गलत बता दिया था, वो गूगल के ऊपर गलत आ गया था, अदरवाइज वो क्या है गुकेश डी एक्चुअल जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है। देन नेक्स्ट pH वैल्यू पूछी थी वाटर की, दैट इज pH वैल्यू 7 किसकी है ये पूछा था, तो वाटर की होती है। देखो 0 से लेकर 14 तक जो अपना पेपर होता है उसके ऊपर पीएच वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। तो 7 जो बिल्कुल ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो उसकी 7 आती है, और 7 से कम एसिडिक होते हैं, 7 से ज़्यादा बेसिक होते हैं। और अपना जो ब्लड है उसकी बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ब्लड की पीएच वैल्यू बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो 7.35 ये आप नोट कर सकते हो, 7.3 क्लियर है। तो थोड़ा सा बेसिक है अपना ब्लड। देन माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कौन से देश में जाना पड़ता है, तो दैट इज नेपाल माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट भी है दिलवाड़ा जैन टेम्पल या देलवाड़ा जैन टेम्पल, दोनों इसके नाम है। वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो माउंट आबू में लोकेटेड है राजस्थान के अंदर। इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है, जो कॉमन फ्लू है, कॉमन फ्लू जो हमें होता है वो किससे होता है, वो वायरस से होता है, ठीक है। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किनको मिला, ये मिला जी रोहित शर्मा को 2019 की अगर बात करें तो, रोहित शर्मा को। और 2018 का भी पूछा गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिलेटेड टू, मतलब कौन से हाउस में स्टार्ट हो सकती है, कैन स्टार्ट इन विच हाउस। प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे तो कौन से हाउस में इम्पीचमेंट, उनको हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, दोनों हाउस के अंदर स्टार्ट हो सकता है भाई। लक्षद्वीप कम्स अंडर विच कोर्ट, तो भाई केरला हाई कोर्ट के अंदर आता है लक्षद्वीप आइलैंड। देखो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट एक है, ऐसे ही जो लक्षद्वीप है उसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, केरला हाई कोर्ट के अंदर वो आता है, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव फोडोंग मोनेस्ट्री, ये जो मठ है ये कहाँ पर लोकेटेड है, सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो शूटिंग स्पोर्ट्स होते हैं पिस्टल वगैरह जो चलाते हैं, उनका जो वर्ल्ड कप रैंकिंग है इंडिया का क्या है, तो इंडिया की फर्स्ट रैंकिंग है, उसकी जो रैंकिंग है ना ISSF के अंदर। नेक्स्ट वी हैव विच पार्ट एब्जॉर्ब सनलाइट पेड़ के अंदर, पत्ते के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा एग्जैक्ट मेरे को ये मिला नहीं, तो ये मैंने ऐसे आपको बताया है। देन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 दैट इज ऋषभ पंत, तो 2018 से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट व्हेन डिड तेलंगाना स्टेट फॉर्म्ड, तो 2 जून 2014, जस्ट एक फैक्ट है याद रखने लायक। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, तो पता है क्या पूछा था पिछली शिफ्ट के अंदर, मतलब कि पिछले पहले दिन के अंदर, कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट हैं। नहीं ये तो यहीं पे हो गया ना, कि यूपी के अंदर कितनी लोकसभा सीट हैं ये पूछा था, तो 80 हैं। अब क्या पूछ लिया कि देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कौन से स्टेट के अंदर है, तो वो यूपी के अंदर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए जो मैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो जरूरी है। स्पीड ऑफ CPU, जो कंप्यूटर का ब्रेन है CPU, उसकी स्पीड्स कैसे मेजर की जाती है, हर्ट्स में, गीगाहर्ट्स में, ठीक है। सेम ही बात है, हर्ट्स का बड़ा रूप गीगाहर्ट्स है, जैसे ग्राम का बड़ा रूप किलोग्राम है। लोकसभा स्पीकर रिलेटेड टू विच स्टेट, राजस्थान, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट धूमल डांस कौन से स्टेट से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। आर्टिकल 156 किससे रिलेटेड है, गवर्नर के टर्म से रिलेटेड है, कि भई ये जो गवर्नर है कब तक रहेगा, किन कंडीशंस के अंदर रहेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर के टर्म से रिलेटेड है, अदरवाइज 5 साल के लिए रहता है। इंडियाज रैंक इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये मैंने आपको करंट अफेयर के अंदर करवाया था। पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर रैंक का क्या मतलब है, कि कौन से देश के पासपोर्ट को यूज करके बंदा मैक्सिमम देशों के अंदर जा सकता है। तो इंडिया की 84th रैंक है, तो सबसे बेस्ट रैंक किसकी आई है, कि कौन से देश के पासपोर्ट को यूज करके मैक्सिमम देशों में इंडिया जा सकता है, जापान, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, तो किसी न किसी शिफ्ट में ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, मुगल्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। नेक्स्ट वी हैव फादर ऑफ नेशन, तो ये कौन नहीं जानता भाई, रोज रुपए खर्चते हो उसके ऊपर, फादर ऑफ नेशन की फोटो होती है। देन 2018 ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर दैट इज विराट कोहली, 2018 का ICC क्रिकेटर, तो भाई टेस्ट में भी, ODI में भी, T20 में भी, सब में यही था बंदा, ठीक है। हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी, RBI जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है, एंड 1935 में फॉर्म हुआ, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ सकता है, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट दैट्स ऑल, और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो कुछ ही देर बाद इन सारे क्वेश्चंस की PDF E1 कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगी। तो अभी के अभी तुरंत जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में E1 कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो डेफिनेटली, अगर आपको PDF चाहिए। और एक दिन पहले की PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी, और अगर आपने एक दिन पहले की वीडियो नहीं देखी है तो 17 मार्च वाली वीडियो भी देख लो मेरे भाई। और एक और बात आगे बढ़ने से पहले कि ई1 कोचिंग सेंटर की जो एंड्रॉइड ऐप है उसका लिंक भी आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी डेफिनेटली इंस्टॉल करना अगर पहले इंस्टॉल नहीं की है तो। और बाकी इतना ही इस वीडियो के अंदर, मैं आपको यही कहना चाहूँगा अगर आगे इन फ्यूचर आपका CHSL का एग्ज़ाम है कुछ दिनों के बाद, तो भाई इनकी PDF को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और वीडियो को भी देख लेना। मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। तो बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि इस नंबर के ऊपर कल मेरे को डेफिनेटली GK के क्वेश्चन दे देना भाई, हैं आज आपको हेल्प हो रही है तो आप भी ये काम कर देना। इसको WhatsApp पे सेव कर लो, E1 कोचिंग सेंटर के नाम से तुरंत सेव कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।